अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल एक्शन। हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। हमने कहा था कि जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ रिवर्स जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ दी सब्सटेंसेस होता है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन ही को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिवर्सिबल एक्शन है उसमें थोड़ी सी चेंज है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये साथ लिखा हुआ है। जो पीछे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी नहीं लिखा हुआ था। अब ये बेसिकली है क्या, ये एक्चुअली में जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। अगर नंबर ऑफ मोल्स वन होता तो हम यहाँ पे नहीं लिखते, तो वन से ज़्यादा तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ए बी सी डी एम, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब सब कुछ वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा जस्ट चेंज हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, पावर में। इन जब हम क्या करेंगे, इनकी कंसंट्रेशंस को लिखेंगे। कंसंट्रेशन को हम कहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन को लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ मोल होंगे ये क्या करे जाएंगे, उसके पावर में चले जाएंगे। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द रेट ऑफ, रेट मीन क्या, स्पीड। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। यहाँ तक भी पुरानी बात है। द रेट ऑफ आपस जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल को हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट भी कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये एडिशनल चीज़ है, रेज टू पावर, रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। यानी जो आपके पास उसमें क्या होंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे बैलेंस के, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, उसके पावर में लिख देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने लिख दिए, ये वही पुरानी बात है। लेकिन अब हमने एडिशनल यहाँ पे क्या किया है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं साथ स्मॉल ए, उसको कहाँ पर लिख दिया, उसकी पावर में लिख दिया। स्मॉल बी को हमने कहाँ पर लिख दिया, उसकी पावर में लिख दिया। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ये सेम आपके पास वही का वही जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर। अब यही हम रिवर्स एक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिवर्स एक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कहाँ पर चले जाएंगे, उसकी पावर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पावर में लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आर आ जाएगा। तो के आर यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पे देखेंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो आर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आर। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इज इक्वल होता है, ये हमने पीछे भी डिराइव किया, के एफ इंटू अकपस कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर में स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसकी पावर में स्मॉल बी, सेम हमने रिवर्स रिएक्शन के लिए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक साइड पे कर देंगे, के एफ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, के आर एक साइड पे आ गए। आपकी मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की यहाँ पे लिखी हुई है और ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि जो आपके पास रेशो ऑफ ऑफ रेट कांस्टेंट होती है वो किसके इक्वल है, के सी के इक्वल है। तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, के सी इज इक्वल टू क्या आ गया, वही कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये के सी का हमें पता है किसके इक्वल होता है, के एफ ओवर के आर। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया, जस्ट थोड़ी सी चेंज हुई है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर में चले गए। अगर नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आपके पास वन होगा, यानी ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा होता, उसका नंबर ऑफ मोल वन होंगे। यानी किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ अगर कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब उसका वन मोल होगा। तो वन मोल हम पार में लिखेंगे भी तो उसको हम लिखते नहीं, यानी शो नहीं करते, तो इस वजह से उसको हम लिखेंगे नहीं, यानी पार में लिखेंगे नहीं। अगर वन से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, पार में लिखते जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफ़।